नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो वन एंड रो टू, रो टू इज ट्वाइस ऑफ रो वन, आर फील्ड अप बिहाइंड अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 मीटर। है ना, जो वॉल है वो स्क्वायर शेप का है जिसका साइड लेंथ है 10 मीटर एज शोन इन फिगर। फिगर में उधर हमने दिखाया है, कहा गया ईच लिक्विड हैज अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू दीज लिक्विड्स एग्जर्टेड ऑन अपर पार्ट एम एन टू दैट एट द लोअर पार्ट एन ओ। जैसे देखेंगे यहाँ पर डायग्राम है ना, ये है एम और ये पॉइंट है एन और ये है ओ। ऊपर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो वन और नीचे वाले का डेंसिटी जो है वो है टू रो वन, ये रो टू, भारी वाला जो है नीचे होगा। इस तरह से यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर वाले लिक्विड का हाइट भी 5 मीटर, नीचे वाले लिक्विड का हाइट भी 5 मीटर है। तो बताना है कि ये जो एम एन वाला पार्ट है इस पर जो फोर्स लगेगा, फिर एनओ पर जो फोर्स लगेगा, उनका रेशियो क्या आएगा। ठीक, तो ये फोर्स निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आप देखेंगे तो एक तरीका होता है कि हाइट वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे, है ना। दूसरा तरीका होता है एवरेज प्रेशर मेथड। तो पहले मैं एवरेज प्रेशर मेथड से पता करता हूँ। जैसे देखेंगे यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा जीरो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ले रहे हम लोग, लिक्विड की वजह से प्रेशर ले रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर आएगा जीरो, यहाँ पर प्रेशर आएगा रो वन जी इंटू हाइट 5। यहाँ का प्रेशर हो गया, यहाँ का प्रेशर आएगा रो वन जी इंटू 5 इसकी वजह से, और प्लस ये नीचे वाला लिक्विड है इसकी वजह से 2 रो वन जी इंटू 5, इसका हाइट भी 5 है। तो यहाँ पर प्रेशर ये है, ठीक। तो फोर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, जो एवरेज प्रेशर से यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो दोनों प्रेशर के जो वैल्यू है ऊपर और नीचे उनका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और एवरेज वाला जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट मान करके यहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो आएगा जीरो प्लस रो वन जी इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज प्रेशर हो गया, ठीक। ये एवरेज प्रेशर हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ का एरिया कैसे होगा 5 मीटर हाइट हो गया जबकि इसका विड्थ 10 मीटर है। ध्यान रखना है स्क्वायर शेप का वॉल था, टोटल हाइट भी 10 था और अंदर लेंथ भी 10 होगा। तो हमें तो केवल ऊपर वाला आधे पार्ट का निकालना है, तो हाइट तो 5 ही लेंगे लेकिन अंदर वाला लेंथ 10 लेंगे, तो इसका एरिया लेंगे 5 इंटू 10। हम चूंकि केवल एम एन वाले पार्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं, एम एन वाले पार्ट पर फोर्स ये आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे ये आएगा रो वन इंटू जी इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से अगर एफ एन ओ इस पार्ट पर फोर्स निकालना है तो इस प्रेशर का और इस प्रेशर का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको जोड़ते हैं, है ना। तो देखेंगे 2 रो वन जी एस है, 2 रो वन जी 5 है, रो वन जी 5 ए भी रो वन जी 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा रो वन जी इंटू 5 प्लस रो वन जी इंटू 5 ये वाला प्लस 2 रो वन जी इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज प्रेशर हो गया इंटू यहाँ का एरिया, इसका एरिया भी वही आएगा 5 इंटू 10, 5 हाइट और अंदर वाला लेंथ 10। तो ये देखेंगे कितना आएगा, यहाँ से 2 रो वन जी इंटू 5 इंटू 2 रो वन जी 5 इंटू 5 इंटू 10, ये आ गया। तो इनका रेशियो पूछा गया है एफ एम एन डिवाइडेड बाई एफ एन ओ, ठीक है। तो इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये ऊपर भी है और ये वाला टर्म नीचे भी है। ऊपर वाले में है 1/2 एक्स्ट्रा बचेगा और नीचे वाले में 2 है, तो ये हो गया 1/4। तो ये जो रेशियो आया ये 1/4 है, ठीक। एक दूसरा तरीका मैंने बताया कि प्रेशर और हाइट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे ये हाइट हो गया है ना, तो यहाँ पर
प्रेशर है जीरो, प्रेशर लीनियरली वेरी करता है ना, यहाँ पर प्रेशर आया है रो वन जी इंटू फाइव, इसके बाद यहाँ पर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा है ना, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है रो वन जी इंटू फाइव, यही वाला वैल्यू यहाँ ग्राफ में दिखाएंगे है ना, तो रो वन जी फाइव तो इसके बराबर हो गया और ये टू रो वन जी फाइव है, टू रो वन जी इंटू फाइव ये हो गया इतना और ये हो गया इतना, मतलब यहाँ पर प्रेशर तो इतना है ऊपर रो वन जी फाइव है, यहाँ पर जीरो है, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया प्रेशर का ग्राफ, तो ये है हाइट और ये हो गया प्रेशर, हाइट और प्रेशर का जो ग्राफ है उसका एरिया निकालने से ये बताता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, जैसे ऊपर वाले पर निकालेंगे तो फोर्स ऑन एम एन बाई लेंथ, लेंथ इसका 10 है, वॉल का जो साइड लेंथ है अंदर वाला वो 10 है, तो ये आएगा कितना, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया, तो ये आएगा हाफ, ये बेस हो गया रो वन जी इंटू फाइव इंटू हाफ बेस इंटू ये हाइट हो गया फाइव, ये यहाँ से आ गया, इस पर फोर्स आ जाएगा, उसी तरह से अगर एन ओ पर फोर्स निकालना हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस पोर्शन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ का ग्राफ का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना आएगा, पहले निकालेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया, ये आएगा रो वन जी फाइव हाइट है इंटू रो वन जी फाइव, ये प्रेशर और ये हाइट फाइव, ये आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया, इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हो गया टू रो वन जी इंटू फाइव इंटू इसका हाइट भी फाइव है ना, तो ये आ गया इस पोर्शन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको देखेंगे ये टू और ये टू कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पर कितना आया टू टाइम्स रो वन जी इंटू फाइव इंटू फाइव, अगर इसका और इसका रेशियो निकालेंगे आप एफ एम एन बाई एफ एन ओ है ना, तो देखेंगे इसमें ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन बाई टू बाई टू यानी कि वन बाई फोर, तो इस मेथड से भी वन बाई फोर रेशियो आया, और जो पहला मेथड था एवरेज प्रेशर वाला मेथड से वहाँ से रेशियो वन बाई फोर आया, तो पहला ऑप्शन जो है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है।